हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट गोस्त। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार गोस्ट गेमिंग एक्सट्री नाम की हमारी इकलौती चैनल में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ताज़ा वीडियो, बहुत ही न्यू वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। वैसे मेरी चैनल पर क्या किसी की चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं पहली बार ही खेला हूँ, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अब कर लेते हैं हिसाब किताब की बातें। तो इस वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और वीडियो को अगर और भी अच्छा लगे ना तो दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि देखो मैं पिछले 28 डे का मतलब वो आपको दिखा रहा हूँ कि जिसने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है वो 50 बंदे मेरी वीडियो को देखते हैं, बाकी के 50 बंदे ऐसे मेरी वीडियो को देखते हैं जो कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, कब तक ऐसे मतलब फैमिली मेंबर नहीं बनोगे हमारे, है ना, कब तक मेहमान रहोगे। तो तुरंत चाहिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए, उस रेड वाले बटन को ना वाइट कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों आपका भाई इतनी मेहनत करता है और फिर भी उसको सब्सक्राइबर नहीं मिलते, ठीक है ना। जो वो एक्सपेक्ट करता है कि इतना वॉच अवर्स निकलेगा, वॉच अवर्स नहीं मिलता तो भाई इतनी मेहनत किस काम की फिर, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो इतनी मेहनत किस काम की, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो भी मतलब ऐसे कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ ऐसा माइंड में आता है, ठीक है ना। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए मेरी, है ना, तो मेरे सब्सक्राइबर है वो, इनको बोल रहा हूँ मैं कि मेरे सब्सक्राइबर को अगर रेगुलर वीडियो चाहिए मेरी तो आप, है ना, रोज़ मेरा वीडियो देखिए। तो उससे क्या होता है कि मेरी इंप्रेशन बढ़ेगी और उससे नए बंदे जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप भी अपने भाई के चैनल को फैला सकते हो। तो अब कर लेते हैं हमारे गेम प्ले की बातें, इस बातों को छोड़ते हैं। ये तो भाई देखो जो मेहनत कर रहे हो उसका फल तो मिलेगा, क्योंकि भगवद गीता में भी लिखा है कि फल की इच्छा मत रख, तू अपना कर्म करे जा। तो हम अपना कर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम उतरते हैं, यहाँ पे जो वो नई वाली इवेंट आई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमको किल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और आप अपने भाई की केडी भी चेक कर लेते हो, अभी फिलहाल 3.50 की केडी है। तो यहाँ पे उतरने से आपको ज़्यादा किल मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक बार उतरो, जब आप मर जाओ तो पहले चाह हुआ उतर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ना इधर उतर तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लग जाती है पूरी रैंक पुशर लॉबी, ठीक है ना। रैंक पुशर लॉबी मतलब कि यहाँ पे जो हॉट ड्रॉप होता है वहाँ पे कोई बंदा, लिटरली एक बंदा मेरे को नहीं दिखता है। तभी मैंने कहा चल भाई लूट करके आगे ना रश करते, क्योंकि हमारे पास एक लाइफ लाइन होती है हर वक्त। तो हम यहाँ पे रश करने की सोच रहे होते, और तभी देखो यहाँ पे एक बॉट है ना। तो दोस्तों जैसे इस बॉट को मार के थोड़ा आगे बढ़ते, और देखो यहाँ पे दूसरा बंदा, हाँ। तो दोस्तों जिस बंदे को, इस बंदे को तो मैं इजीली ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन जिस बंदे को हमने मारा था, ठीक है ना, हमारे टीम ने भी 2-3 बंदे यहाँ पे गिराए, तो वो बंदे सब रिकॉल होकर फिर से आ जाते हैं। और देखो यहाँ से मुझे कैसे डैमेज देने लगता है, सब देखो क्या होता है। हाँ तो दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको गेम प्ले के बीच ही कॉल आ जाए? यहाँ पे मेरा गेम प्ले लैग कर देता है, क्योंकि मेरे को गेम प्ले के बीच में कॉल आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ ऐसा है कि मेरे पास 2 डिवाइस थे, पहले मेरा मतलब फ़ोन का डिवाइस अलग था, लेकिन ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने वो वाला डिवाइस ना मेरे दीदी को दे दिया है। तो अब मेरे पास ओनली 1 डिवाइस है, एक ही डिवाइस बचा है जिसमें मैं सब कुछ करता हूँ, कॉल भी मेरी इसी में चलती है, सब कुछ इसी में चलता है, और इसीलिए मेरा गेम प्ले यहाँ पे लैग कर देता है और मैं यहाँ पे एक बार नॉक हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो वो तो मेरे टीममेट अच्छे थे जो यहाँ पे रिवाइव दे देते, नहीं तो इस कॉल की वजह से मेरी आज यहीं पे पेटी बन जाती, ठीक है ना। देख रहे हो भाई हमारी परी का भौकाल, मतलब 2 बंदे के दोनों के दोनों गिरा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास हेल्थ नहीं होती, और प्लस सामने से एक और लॉर्ड मतलब जो उनका बंदा है जो कि रिकॉल होकर आया है, वो हमको डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा था। तो यहाँ पे मैं मेरे दोस्त मतलब यहाँ पे मेरे टीममेट से मैं हेल्थ किट लेता हूँ, यहाँ पे हेल्थ किट लगाता हूँ, और उस सामने वाले बंदे को मैं कैसे मारता हूँ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो I need consumables. हाँ तो दोस्तों इस बंदे को मैं इजीली ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, और उसको जाके हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो बंदा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि भाई 2 बार हमारे हाथों मरा, वो बंदा हमको कैसे बात करेगा, ठीक है ना। इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, और फिर मैं उसको मतलब बिल्कुल फिनिश कर देता हूँ, ठीक है ना। तो और आगे बढ़ते यहाँ से, पे मैं लूटी रहा होता हूँ और तभी एक बॉट दिखता है, तो देखो कैसे मारते इसको। वहाँ पे उसके एक और बंदे को हमारे टीममेट गिराते हैं, लेकिन हम उससे बात करने की कोशिश करते, वो भी कुछ बोलता नहीं, हम 2-4 मुक्के मारते फिर भी नहीं बोलता, और यहाँ पे वो बंदा मर जाता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते अब।
तो दोस्तों आगे बढ़ के मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ और तभी दिखता है हमको यहाँ पे एक और बोर्ड, ठीक है ना भाई। आज तो मतलब केड़ी की मतलब प्लस ही प्लस हो रही है, मतलब क्या ही बोलो यार। मतलब कितने बोर्ड मिल गए आप इस मैच में देखा होगा आपने, ठीक है ना, बहुत सारे बोर्ड मिल जाते हैं यहाँ पे हमें। और अब हम डायरेक्ट जाएंगे मेल्टा, ठीक है ना, क्योंकि मेल्टा में अभी बंदे होंगे, बाकी तो जोन नहीं है, मतलब तो मेल्टा में ही हमारी जोन बनी है, तो मतलब यहाँ पे बंदे होंगे। तो हम मेरे टीममेट मतलब एक बंदे पे क्लोजिंग कर लेते हैं और मैं दूर बैठा बैठा उनको देख रहा होता हूँ, ठीक है ना। उनको मेरा कवर देखो आप, मैं कैसा कवर देता हूँ, है ना। ये अगर कवर आपको पसंद आए और ये बंदा मैंने जो नॉक किया है वो पसंद आए ना, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए जाके, ठीक है ना। अभी अभी यहाँ पे इस बंदे को भी हम इजीली फिनिश कर देते हैं, जिसका नाम था सीएस राकेश। और मतलब आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे मिल्टा में कोई बंदा हमको देख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्रिज क्रॉस करके भी बंदे आ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मिलिट्री बेस की तरफ गए हैं या फिर नोवो की तरफ गए, तो ब्रिज क्रॉस करके भी आएंगे। तो हम और हमारी टीम पूरी चलती है पहले ब्रिज पे, देखो आप क्या होता है उधर। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके थे ब्रिज पे, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिज पे बहुत ही ढूंढते हैं बंदों को कि कहाँ है। मैं पानी में भी देखता हूँ और मतलब सामने भी कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, मतलब बहुत देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं दिखते हैं। और जब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी हमको आती है एक फायर की आवाज़, ठीक है ना। अब उस बंदे को हम कैसे भरते हैं आप देखो। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ मैं मेरी गाड़ी साइड में लगाता हूँ और यहाँ पे मैं साम दाम दंड बेड जो भी है, नेड बेड मॉली वगैरह सब कुछ यूज़ करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अब बारी थी मेरी उस बंदे पे रस करने की, क्योंकि बंदा भी नूब था। मैंने देखा कि पहली बार जो फायर दिया ना, दूसरी बार वो बाहर ही नहीं आया, मतलब वो बहुत नूब बंदा है, तो मैंने सोचा कि वो मेरे को मार नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मतलब अकेला घुसने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, टीममेट को साथ ले लेते और टीममेट मेरे साथ में आता और हम घुस के उस बंदे को कैसे फिनिश करते हो तो देखो। हाँ तो दोस्तों इस बंदे को मैं आसानी से फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मतलब वो बंदे का जो घिसने की आवाज़ थी आपने भी सुनी होगी, वो आ गई थी पहले से, ठीक है ना। इसलिए मुझे पता था कि वो बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आराम से इसको फिनिश कर देता हूँ। और तभी देखो सामने से दूसरी टीम आ जाती है ना, तो यहाँ पे हमारे ऊपर जोन भी नहीं था और हम यहाँ पे तगड़ा वाला फंस जाते हैं, आप देखो। तो दोस्तों हम मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ पे मतलब कोई बंदा नहीं है ना, तो मैंने वन टैप करा और फिर मतलब मैंने स्प्रे देना स्टार्ट किया, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इसको पहले से मारता ना तो ये बंदा मर जाता, लेकिन मैंने है ना वन टैप कर दिया गलती से, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से कूदने की कोशिश करता हूँ और तभी देखो बंदों का डैमेज देना स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कैसे नॉक होता हूँ वो भी आप देख सकते हो। अब भाई आप में से कौन सोच सकता है कि वहाँ पे वैसे भी बंदा निकलेगा, बोलो। ये तो ठीक है, मेरी टीम यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। वैसे टीम तो अच्छी है ही यार, मैं क्या तारीफ करूँ उनकी, कुछ तारीफ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। हमारे लॉबी में मतलब एक परी के सिवा मतलब क्या बोलो यार। चलो छोड़ो यार, टीम के बारे में कुछ नहीं बोलना। अब मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जोन भी मतलब बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। मैंने कहा एक बार मैं फिर से नॉक होऊंगा, मेरे टीममेट आप रिवाइव दे देना, ठीक है ना। तो मुझे फिर से रिवाइव मिल जाता है और अब हम कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं आप देखो। हम यहाँ से निकलते गाड़ी लेकर और देखो। तो हम जैसे यहाँ पे आते हैं, हमारी पिछले वाली टीम जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो भी आ जाती है, तो देखो उनको कैसे भरते हैं। अब मैं जिस बंदे को नॉक किया उसको रेट्रेट लेके मारने की कोशिश करता हूँ और तभी देखो दूसरा बंदा। मैं फिर से इस तरफ आता हूँ और देखो यहाँ पे दोस्तों मेरी गलती ये हो जाती है, पीछे से भी पड़ रही है देखो मुझे, और मेरी गलती ये हो जाती है कि मैं क्लोज रेंज में ना स्कोप खोल लेता हूँ। वैसे क्लोज रेंज में ज़्यादातर स्कोप नहीं खोलना चाहिए, जब खास करके जब हम टीडीएम खेले ना, तो क्लोज रेंज में या लॉन्ग रेंज में कभी स्कोप मत खोलिए। बट ऐसी मतलब होता है ना, मेरे को लगा कि रेड डॉट था और मेरा 3x गलती से खुल गया, है ना। तो यहाँ पे मतलब मैंने इस बंदे को जैसे तैसे करके चलो फिनिश कर ही दिया। अब यहाँ पे हमारे ऊपर आ जाती है जोन और हमको बारी आती है कि जोन में जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो पीछे वाले बंदे उनको हम छोड़ के जोन में चले जाते हैं और ये बंदे भी मतलब में मर जाते हैं, ठीक है। अब मतलब आगे देखो जैसे हम जोन में घुसते हैं और हमारी परी कैसे नॉक होती है, मतलब भाई मतलब बहुत ही तगड़ा कैंपर था ये वाला बंदा, इसको कैसे फिनिश करता हूं आप देखो भाई। ये बंदा हमसे आसानी से मतलब निपट जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जैसे ही हमारी परी वहाँ पे मतलब सामने मैंने बताया कि उस घर में लास्ट बंदा है ना, तो लास्ट बंदे को जैसे ही हमारी परी मारने जाती है और वहाँ पे क्या सीन होता है, वो एक्चुअली में बंदा घर पे से उठकर मतलब यहाँ पे घास में लेट गया था। अब देखो वो उसको कैसे मारता है परी को और मैं उसको कैसे फिनिश करता हूँ।
देख रहे हो भाई, ऐसे मतलब ऐसे सपोले तो आपने आज तक कभी नहीं देखे। जो ये दो लास्ट में मिले ना, ऐसे सपोले तो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय पबजी, जय बीजीएमआई।